हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छी हो? आज हमारा जो ऊंट चला है कविता की प्रश्न उत्तर पर्व का एपिसोड 2 हम सब लोग करेंगे, तो आइए। इस एपिसोड में मैंने प्रश्न रखी हूँ आपके लिए, बच्चों बोलो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? उत्तर, बालू या रेत रेगिस्तान पर और समुद्र के किनारे पर मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकते हैं? ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकते हैं बच्चे? सभी छोटी चीज़ें जैसे कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, बंदर, भेड़, बकरी आदि ऊँट के नीचे से निकल सकते हैं। ये प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? तो बच्चों, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे तुम? उत्तर है, सीढ़ी, कुर्सी, स्टूल आदि की मदद से ऊँट पर चढ़ सकते हैं। ये प्रश्न है, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। ब से कौन कौन शब्द होता है बच्चों? ब से ग्वालू, बैठेगा, बोझ, बता। क्या क्या? बालू, बैठेगा, बोझ, बता। ये प्रश्न देखो बच्चों, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से चार शब्द और लिखो। तो मेरा नाम तो अ से शुरू होता है, तो अ से क्या क्या? अ से अब, अ से अदरक, अजकन, अजगर, ये तुम भी लिख लेना, ओके? ये प्रश्न है देखे बच्चों क्या है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? क्यों? उत्तर है, जानवरों की बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करना हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि इससे जानवरों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी तरह जानवरों की भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है और उन्हें भी जीने का हक है। ये प्रश्न देखो बच्चों क्या है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? उत्तर होगा, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। ये जो है कविता बढ़ाओ अक्की बक्की करे तरक्की, क्या होगा? क्या? यस, हाँ, बात है पक्की, मत बन झक्की, तभी तरक्की पक्की पक्की। फिर से एक बार बच्चों कहिए, अक्की बक्की करे तरक्की, बात है पक्की, मत बन झक्की, तभी तरक्की पक्की पक्की। इधर देखो बच्चा क्या है, कितने ऊँट? इस कविता में कुल कितने बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ, कितनी बार बच्चों? कितनी बार? हाँ, 13 बार। अगला प्रश्न यह है, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। ये सब तुम लोग कर लेना बच्चों, ओके? किसी बड़े से मदद से भी कर सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होती है आज की ये प्रश्नोत्तर का पर्व। बाय बाय।